तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रेसलमेनिया 36 में हमें जॉन सीना का रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर उनका रिटर्न देखने को मिलेगा तो उनका मैच किसके अगेंस्ट होगा और कौन होगा उनका ओपोनेंट। तो सारे क्वेश्चन का रिप्लाई मैं दूंगा इस वीडियो में। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको मालूम हो कि इस 2-3 वीडियो पहले मैंने बताया था कि जॉन सीना का रिटर्न कंफर्म हो चुका है 28 फरवरी वाले स्मैकडाउन के लिए। तो मे भी ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स कि वहीं से हमें उनके फ्लूट देखने को मिले कि कौन उनका ओपोनेंट होगा, वहीं उसी टाइम पे रिवील हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स अभी ये भी रूमर्स आ रहा है कि हमें जॉन सीना का एलिमिनेशन चैम्बर में भी मैच देखने को मिल सकता है। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने अपने कुछ दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि वहाँ पे फिलाडेल्फिया में ये मैच का एडवर्टाइज किया जा रहा है, कि जैसा कि आपने देखा ही था एलिमिनेशन चैम्बर के ड्रीम मैच कार्ड प्रेडिक्शन पे उसके थंबनेल में मैंने लगाया था। तो फ्रेंड्स मे भी वहाँ पे भी चांस है कि वहाँ उसी एलिमिनेशन चैम्बर में भी जॉन सीना का ओपोनेंट रिवील हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स अभी पीडब्ल्यू सी की तरफ से ये नजर है कि हमें जॉन सीना का अपीयरेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा रेसलमेनिया 36 में। लेकिन मे भी उनका ओपोनेंट एलियास या किंग कॉर्बिन में से ही कोई, दोनों में से कोई सुपरस्टार में से एक हो सकते हैं। जो फ्रेंड्स 28 फरवरी का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन होगा उसमें मुझे जहाँ तक चांस लगता है कंफर्म हो जाएगा कि रेसलमेनिया 36 के लिए जॉन सीना का ओपोनेंट कौन हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है कि जॉन सीना का ओपोनेंट कौन होगा, आप मुझे नीचे कमेंट पर लिख के जरूर बताएं। और हाँ फ्रेंड्स, सराउंडिंग डब्ल्यूडब्ल्यू की सीजन 2 की एपिसोड नंबर 3 रेसलिंग सेट भी आ गई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स होप करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बोर्ड रेसिंग से रिलेटेड न्यूज सबसे पहले अपने चैनल पर देते हैं। फाइनली बाय फ्रेंड्स।